जियो लगातार बढ़ते निवेश की वजह से चर्चा में है। उसके साथ ही जियो ने जियो मार्ट के जरिए ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म में भी अपनी मौजूदगी दर्ज करा दी है। जियो मार्ट लॉन्चिंग के 2 महीने के भीतर ही देश के ऑनलाइन ग्रोसरी सेगमेंट में ग्राहकों की पहली पसंद बन गया है। कंपनी ने कुछ ही दिनों पहले ही गूगल प्ले स्टोर और एप्पल प्ले स्टोर पर जियो मार्ट ऐप लॉन्च किया था और कुछ ही दिनों में जियो मार्ट ऐप को गूगल प्ले स्टोर से 10 लाख से ज्यादा बार डाउनलोड किया जा चुका है। ऐप की रैंकिंग करने वाली दुनिया की प्रतिष्ठित कंपनी ऐप एनी के अनुसार जियो मार्ट ऐप ओवरऑल शॉपिंग सेगमेंट में भी झंडे गाड़ रही है। ये इंडियन रैंकिंग में एप्पल प्ले स्टोर में 2रे और गूगल प्ले स्टोर पर 3रे स्थान पर पहुंच गया है। जियो मार्ट पर प्रतिदिन के हिसाब से 2.5 लाख ऑर्डर बुक किए जा रहे हैं। ऑर्डर की ये संख्या ऑनलाइन ग्रोसरी सेगमेंट में सबसे ज्यादा है। ऑर्डर्स की संख्या में लगातार इजाफा भी हो रहा है। सोडेक्सको कूपन का इस्तेमाल करने वाले ग्राहक जियो मार्ट पर इसका इस्तेमाल कर भुगतान कर पा रहे हैं। इसका फायदा ग्राहकों के साथ जियो मार्ट दोनों को मिल रहा है। जियो मार्ट ऐप से पहली कंपनी अपनी वेबसाइट पर ऑर्डर बुक कर रही थी। ऐप के आने के बाद भी ग्राहकों का पुराना खाता वैसे ही काम करेगा। कंपनी ने कुछ ऐसी व्यवस्था की है जिसमें ग्राहक वेबसाइट, एंड्रॉइड और एप्पल iOS जैसे लगभग सभी प्लेटफॉर्म्स पर अपने लॉगिन अकाउंट का इस्तेमाल करके लॉगिन कर पाएंगे। उसका मतलब है कि अगर वेबसाइट पर ऑर्डर किए गए प्रोडक्ट्स ग्राहक के मोबाइल फोन पर और मोबाइल फोन से किए गए ऑर्डर वेबसाइट पर उपलब्ध होंगे। जियो मार्ट ने मई 2020 के आखिरी हफ्ते में 200 शहरों से अपनी शुरुआत की थी। 90 शहरों में पहली बार ग्राहक ग्रोसरी की ऑनलाइन शॉपिंग के साथ जुड़े थे। जियो मार्ट पर ज्यादातर उपलब्ध चीजें दूसरे ऐसे ही प्लेटफॉर्म से 5% सस्ती हैं। ब्रांडेड सामानों की कीमतें भी कुछ कम रखी गई हैं। अपने लॉन्च के साथ ही जियो मार्ट प्रतिद्वंदियों से दो दो हाथ करने को तैयार है। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक मुकेश अंबानी ने हाल ही में AGM के दौरान कहा कि जियो मार्ट अब अपनी पहुंच और डिलीवरी क्षमताओं को बढ़ाने पर जोर देगा। उपभोक्ताओं को बेहतर सुविधाएं और खरीदारी का अनुभव देने के लिए जियो मार्ट प्रतिबद्ध है। किराना के अलावा आने वाले दिनों में इलेक्ट्रॉनिक्स, फैशन, फार्मास्यूटिकल्स और हेल्थ केयर के क्षेत्रों को भी कवर किया जाएगा। आने वाले सालों में जियो मार्ट कई और शहरों में कहीं ज्यादा ग्राहकों की सेवा करेगा। जियो में निवेश की शुरुआत अप्रैल के 3रे हफ्ते से फेसबुक और जियो प्लेटफॉर्म के बीच करार के साथ हुई थी। फेसबुक के साथ डील की घोषणा करते हुए मुकेश अंबानी ने देश के 12 करोड़ किसानों और 3 करोड़ किराना दुकान मालिकों को जोड़ने की बात कही थी। वैश्विक ब्रोकर हाउस गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट के अनुसार रिलायंस की फेसबुक के साथ साझेदारी के परिणाम स्वरूप कंपनी ऑनलाइन ग्रोसरी स्पेस में मार्केट लीडर बन सकती है। 2024 तक कंपनी के पास देश की 50% मार्केट हिस्सेदारी होने की संभावना भी जताई जा रही है। लॉकडाउन की शुरुआत से ही जियो में निवेशकों की झड़ी सी लग गई है और ये सिलसिला अभी भी जारी है। अब ऐसा माना जा रहा है कि दुनिया के सबसे अमीर शख्स जेफ बेजोस की अमेज़न जियो में हिस्सेदारी खरीदने की योजना बना रही है। मुकेश अंबानी लगातार बुलंदियों को छूते हुए नए मुकाम हासिल कर रहे हैं।